हेलो फ्रेंड्स, आईडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते हैं, जब दे लेते हैं, जब हम घर पाते हैं, तो उस पेपर से हम मिलाते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने कौन सा ड्राइंग सही बनाई है, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ गलतियाँ कर चुका है। जैसे कि आप नंबर पाने के बजाय वो कम हो जाता है, आपको जो सारे गलतियां हैं आज हम इसी वीडियो में बताएंगे क्या क्या गलती आप करते हैं और क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब भी हमारा कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है कि उसमें सारे चीज़ दिए होते हैं और आपको समझना होता है कि क्या क्या चीज़ होता है। तो पहला गलती क्या होता है कि हम जब भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं कि हमें किस एंगल में, यानी ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू दिया होता है, सिंपल सा आइसोमेट्रिक व्यू दिया होता है, ऐसा हार्ड भी नहीं दिया होता, सिंपल से दिया होता है। और जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस में या तो फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए कहता है या तो आपको थर्ड एंगल में, दो ही एंगल होते हैं जिसमें कि हम ऑर्थोग्राफिक को बनाते हैं। ठीक है, वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल में या तो देगा या तो थर्ड एंगल देता। लेकिन क्या होता है कि कुछ लड़के या बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं कि एंगल देखते ही नहीं कि किस एंगल में हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, पहला ये गलती करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। पहले आपको क्वेश्चंस को क्लियर पढ़ना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा है। ठीक है, आइसोमेट्रिक में क्या पूछा है, किस एंगल में बनाना है। ठीक है, पहला याद ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जब हमारा इस तरीके से ड्राइंग दिया होता है तो हमारा पूरा एलिवेशन नहीं लिखा होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, ई लिखा होता है, यहाँ पर पी लिखा होता है और यहाँ पर एस लिखा होता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो होता है कुछ इस तरीके से दिए होते हैं, ई एस पी। ठीक है, और ये जो होता है ये क्वेश्चंस में दिए होते हैं पॉइंट में, पॉइंट वन प्लेन व्यू बनाइए, पॉइंट टू एलिवेशंस बनाइए, थ्री होता है साइड व्यू बनाइए। ठीक है, तो ये चीज़ गलती कर देते हैं कि उन लोगों को एलिवेशन प्लेन के बारे में, यानी इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है कि होता क्या है, एलिवेशंस होता क्या है, प्लेन होता क्या है। ठीक है, साइड व्यू को सभी को पता है, या साइड व्यू में भी कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कि साइड व्यू होता क्या है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए उनका भी गलत हो जाता है, सही बनाते हुए भी गलत हो जाता है। देखिए, पहला जो हमारा है कि एलिवेशन मतलब क्या होता है कि हमारा फ्रंट होता है, ये हमारा क्या हो गया फ्रंट, जो एलिवेशन होता है वो हमारा फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, फ्रंट मतलब क्या होता है कि सामने, यानी जो हमारा फ्रंट, यानी किसी घर में घुसते हैं तो जो चीज़ हम खोलते हैं वो फ्रंट में ही होता है, ऐसा नहीं है कि हम साइड से घुसते हैं और पीछे से घुसते हैं या तो ऊपर से हम घुसते हैं, हम फ्रंट से जाते हैं कोई भी किसी घर में जाना होता है तो। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू, ई मतलब होता है एलिवेशन, एलिवेशन का दूसरा नाम होता है फ्रंट व्यू। अगर फ्रंट एफ दिया होगा, अगर ई की जगह पर आपको एफ दिया होगा तो फ्रंट, या ई दिया होगा तो एलिवेशन, मतलब ही फ्रंट होता है। ठीक है, और पी मतलब प्लेन, प्लेन मतलब क्या होता है कि हम टॉप, यानी प्लेन यानी हम ऊपर के सरफेस को हम देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर की सरफेस को हम देखते हैं, यानी ऊपर की सरफेस को हम बनाएंगे, इसको हम टॉप व्यू भी कहते हैं, टी से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम टॉप व्यू भी कहते हैं। साइड को ऐसे डिनोट करते हैं जैसे कि इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन साइड में क्या होता है कि जो बगल में है, यानी हम बगल का हिस्सा बनाएंगे, ये हमारा फ्रंट का है और ये हमारा प्लेन है, यानी ऊपर का हिस्सा हम बनाएंगे। तो दूसरी गलती यहाँ पर लोग करते हैं कि एलिवेशन की जगह पर साइड व्यू लिख देते हैं, साइड की जगह पर एलिवेशन लिख देते हैं, टॉप की जगह पर हमारा कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं होता है, बस किसी तरह बनाकर दे देते हैं कॉपी को, दूसरी गलती ये करते हैं। तीसरी गलती क्या करते हैं कि सब कुछ बना लिए होते हैं लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ समझ ना पाने की वजह से या तो वो लिखना भूल जाते हैं या तो लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, जब भी हम कोई डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, यानी हम इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब हमें क्या है कि थर्ड व्यू बनाना है, इस वाले थर्ड व्यू में हमें बनाना है। अगर हम फर्स्ट एंगल क्वेश्चन में दिया है, थर्ड एंगल में बनाना है, अब हम फर्स्ट एंगल बना देंगे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, सीधे जीरो नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि थर्ड एंगल में बनाना है तो थर्ड एंगल में ही बनाना है, फर्स्ट एंगल में नहीं बनाना है। ठीक है, तो थर्ड एंगल में इसको हम बनाते हैं,
ठीक है, ये हमारा फ्रंट है एलिवेशन, तो फ्रंट हमारा क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में बना देंगे। तो इसका हमारा जो है 30 है और हाइट कितना है 40 है, तो हम 40 को यहाँ कर देंगे, ये हमारा 40 हो गया और ये हमारा 30 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको हम मैच कर देंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का क्या है, तो इन दोनों का 20-20 होगा, यानी 50-50 है, यानी 20 इसका होगा 20 इसका होगा। ठीक है, हम आपको आइसोमेट्रिक्स ऑर्थोग्राफिक नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या गलतियां आप करते हैं। ठीक है, ये हमारा एलिवेशन हो गया। ठीक है, अब हमारा टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू क्या है, ये वाला हिस्सा हमें बनाना है टॉप व्यू का। ठीक है, ये वाला जब हिस्सा बनाते हैं तो हम इसी के पैरेलल, ठीक है, ले जाते हैं और यहाँ से हम इसका जो भी है यहाँ पर 30 mm, और ये जो होता है 25 mm, ये 25 mm बना लेंगे और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 ये है, 15 ये है। ठीक है, 10 ये है, 15 ये है, हमारा क्या हो गया प्लेन। अब हम साइड व्यू बनाएंगे, तो साइड व्यू क्या होता है कि हम इधर से ले जाते हैं और यहाँ से हम 25 mm ले लेते हैं और यहाँ से 40 mm ले लेते हैं, यहाँ से 10 mm ले लेते हैं, यहाँ से इसी के साइड में हमारा जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा साइड व्यू है। ठीक है, अब हम गलती क्या करते हैं कि ये सभी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब ये चीज़ बन जाता है तो गलती क्या करते हैं कि हम इसका लिखते ही नहीं है कि ये कौन सा चीज़ बनाया है। हमारे हम तो यहाँ पर एलिवेशन बना के दिखा दिए कि हम आपको बता रहे हैं कि एलिवेशन है। ठीक है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर एलिवेशन है, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा साइड है। तो जो चेक करने आएगा, यानी आप चेक करेंगे, हम बना दिए, अगर हम आपको कहें कि इसको चेक करिए, ये आइसोमेट्रिक है और ये हमारा ऑर्थोग्राफिक है और थर्ड एंगल में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये हमारा फ्रंट है कि एलिवेशन है कि साइड है। हो सकता हो आप साइड यहाँ और साइड यहाँ बना दिए, फ्रंट यहाँ बना दिए, टॉप यहाँ बना दिए, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारा एलिवेशन है ई है, एलिवेशन है, ये हमारा साइड है, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा, पूरी डायमेंशन देने होते हैं एक एक चीज़। दूसरी गलती क्या करते हैं कि ये जो लाइन है फ्रंट तो यहाँ बना लिए, अब क्या करते हैं हम साइड यहाँ पर बना लेते हैं, यानी इस लाइन के ठीक आगे पीछे, तो वो भी गलत है कि हमें ये चीज़ बराबर होना चाहिए, ये चीज़ हमें मिलना चाहिए, ये हर एक लाइन। तब आपको अगर 30 मार्क्स है तो आपको 29 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, सभी चीज़ें आपको होना चाहिए। अगर आप ये सभी नहीं देते हैं तो 30 मार्क्स का होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये ऊपर डिपेंड करता है आपने सही बनाया है। अगर ये सभी चीज़ें नहीं लिखी हैं, साइड व्यू एलिवेशन आपने नहीं बताया है कि कौन सा साइड व्यू है कौन सा एलिवेशन है, वो टीचर के मूड के ऊपर होता है। अगर टीचर का मूड सही है तो आपको नंबर दे देगा, दया कर देगा, कुछ नंबर दे देगा, 15 नंबर दे देगा या 10 नंबर दे देगा, कुछ नंबर दे देगा। लेकिन अगर मूड ऑफ है तो सीधे काट देगा, काट के आपको फेल कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ड्राइंग में एक बार बनाने के बाद देख लेना चाहिए कि हमने क्या चीज़ छोड़ी है या क्या चीज़ हमने नहीं की है। ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम ऑर्थोग्राफी बना लेते हैं तो क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए कि किस एंगल में बनाना था, एक बार देख लीजिए कि जो आपने ऑर्थोग्राफिक बनाया है क्या उसका मैंने पूरा चीज़ कंप्लीट किया कि नहीं, एलिवेशन लिखा है कि नहीं, साइड में बनाया है कि नहीं, डायमेंशंस दिया है कि नहीं। अगर डायमेंशंस भी नहीं देते हैं तब पर भी आपका नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी आपका अगर डायमेंशंस भी नहीं देते हैं, मान लीजिए हमें इसका डायमेंशंस नहीं दिए हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना है, ये इसकी हाइट कितनी है, इसकी जो विड्थ है कितनी है, तो क्या होगा, काट देगा, कहेगा भैया हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि है बना क्या। ठीक
हमें तो आइसोमेट्रिक से दिख रहा है ठीक है, लेकिन ये जो बना है सही तो बना है, लेकिन डायमेंशन से पता नहीं, हो सकता हो ये 40 के दिया है आपने 45 बनाया हो सकता है 35 बनाया हो, अगर हो सकता हो सही भी बनाया हो तभी भी वो नंबर नहीं देगा। तो याद रखिए कि पहला क्या पॉइंट देखना है, किस एंगल में बनाना है, दूसरा क्या है कि एलिवेशंस को फ्रंट व्यू कहते हैं, प्लेन को टॉप व्यू कहते हैं, साइड को साइड कहते हैं, ठीक है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो डायमेंशंस भी देंगे, हर एक डायमेंशन देंगे, इसके बाद कौन सा जो व्यू बना है, कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है कि साइड व्यू है कि प्लेन व्यू है कि टॉप व्यू है, ये आपको दर्शाना है ठीक है। और थर्ड गलती क्या होती है कि कोई भी व्यू इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर हमारा ये इधर उधर होगा तो भी नंबर कटता है ठीक है। ये सारी गलतियाँ आपको कभी भी ड्राइंग के एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, 100 में 100 करने के बावजूद भी अगर ये गलतियाँ करते हैं तो आपका नंबर जाहिर सी बात है कटेगा। तो यही इस वीडियो में आपको बताना चाहते थे कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम देते समय। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना न भूलिएगा, और इसी तरह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा।